हिमाचल दी सोलन दे विच लैंडस्लाइड हुई है। पंजाब नंबर बलैरो गड्डी चपेट दे विच आई है। हादसे दे विच इक दी मौत हुई है, तीन जख्मी ने। मृतक दी फगवाड़ा वासी देवराज वजों पछाण हुई है। जलंधर तो शिमला जा रही सी बलैरो गड्डी ते लैंडस्लाइड हुई। हादसे दा शिकार बलैरो गड्डी हुई है ते एक व्यक्ति दी मौत हुई है, जबकि दो तो तीन लोग जख्मी दसे जा रहे ने। तो सोलन दे विच लैंडस्लाइड हुई, लगातार हिमाचल दे विच लैंडस्लाइड हो रही है। हड़ां दीआं खबरां सामने आ रही ने ते इस विचाले जिथे सड़की आवाजाई बंद हो रखी है कई थावां ते, तो उत्थे ही कई हादसे भी वापर रहे ने। लैंडस्लाइड होने के कारण जो एक गड्डी है वह चपेट के विच आई है। पंजाब नंबर की यह गड्डी है, बलैरो गड्डी है। जलंधर तो शिमला यह गड्डी जा रही थी, पर मौके पर यह हादसे का शिकार हुई है। लैंडस्लाइड होने के कारण जो ढिगा ने इस गड्डी के उत्ते डिगिया ने, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि तीन लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। तो फगवाड़ा के रहने वाले राज वजों मृतक की पछाण हुई है। सो ढिगा डिगण के नाल जो गड्डी है बलैरो गड्डी हादसे का शिकार हुई। जानकारी देंगे साडे सहयोगी पराक्रम, साडे नाल जुड़े ने। पराक्रम की कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से फोर लेनिंग का काम चला हुआ है शिमला चंडीगढ़ एनएच पे, और लगातार यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड के हादसे होते रहते हैं। और क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, बारिश जो है रात को काफी हुई है, उसी के चलते जो है ये गाड़ी चपेट में आई है। बलैरो कैंपर है जो की पंजाब नंबर की गाड़ी थी, और इसी की चपेट में आकर जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि तीन लोग घायल हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी थी अखबार लेकर जो है शिमला के लिए आ रही थी, और इसी दौरान जो है पहाड़ी से पूरा मलबा आ गया और उसी की चपेट में ये गाड़ी आई, यानी कि बलैरो कैंपर आई जो की पंजाब नंबर की गाड़ी है 9686, और उसमें जो चालक था उसकी मौत हो गई है और तीन लोग जो है वो घायल हुए हैं, और घायलों का इलाज जो है वो स्थानीय अस्पताल में चला हुआ है। फिलहाल जो है प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है, क्योंकि अभी भी जो है मॉनसून की बरसात भारी होने की यहां पर संभावना व्यक्त की है मौसम विभाग ने, और अलर्ट जारी किया गया है खासकर पहली अगस्त के लिए। तो ऐसे में सभी को एहतियात बरतने की यहाँ पर सलाह दी गई है। रुचि ठीक है, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सो बरसात हो रही है, मॉनसून का समा है, लगातार भारी मीह पहाड़ी इलाकों के पै रहा है, लगातार लैंडस्लाइड की खबर भी सामने आ रही ने। इस विचाले प्रशासन के वलों लोगों अलर्ट रहने के लिए कहा गया है।